हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं ये धान का खेत है हम लोगों का। आज हम लोग पेस्टिसाइड यानी कि दवाई स्प्रे कर रहे हैं, तो आज उसका ही वीडियो मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना, हम लोग कैसा दवाई देंगे और दवाई किस चीज़ में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, वो मैं आप सबको वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, जो लाल बटन में लिखे रहते हैं सब्सक्राइब, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूँ किस चीज़ में दवाई स्प्रे करते हैं और क्यों स्प्रे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फूल निकल रहा है धान का। अब ये जब फूल निकलता है तो धान का पेड़ को कीड़ा खाते हैं, तो ये बढ़ता नहीं और वो अच्छा से धान बड़ा नहीं होता है। तो उसी का हम लोग आज दवाई दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड। तो उसी का मैं आज वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब धान फूल देता है तब चकड़ा और गोइठपोक का रोग आता है, जो कि कीड़ा खाता है पेड़ को, यहाँ पेड़ को खाता है तो आगे बढ़ने नहीं देता है। अब देख सकते हैं यहाँ कीड़ा है, ये है कीड़ा, ऐसा कीड़ा खाता है और धान का पेड़ को बढ़ने नहीं देता है और ज़्यादा धान फलता नहीं फिर। तो इसलिए हम लोग पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धान फूल देने लगा है। और यहाँ पे ये है पेस्टिसाइड, जो कि दवाई, इसको पानी में मिला के स्प्रे करेंगे, ढोल में पानी डालेंगे। और ये 10 ml दवाई यानी कि पेस्टिसाइड डाल के मिलाएंगे और स्प्रे करेंगे। आप देख सकते हैं दवाई को 10 ml ले रहे हैं, 10 ml, और ये ढोल में हम लोग पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा भाई स्प्रे कर रहा है। फ्रेंड्स, ये पेस्टिसाइड धान को कीड़ा खाने से रोकने के लिए ये स्प्रे किया जाता है। जब फूल निकलता है वो टाइम पे और कीड़ा धान का पेड़ को खा लेता है और चकड़ा और गोइठपोक का रोग आता है, उससे पेड़ बढ़ता नहीं और ज़्यादा फल नहीं देता है, पेड़ मर जाता है धान का पेड़। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ स्प्रे कर रहा हूँ। तो मैम नेट बारन फाड़ी, हाँ अंका जी अने तो पड़ी हम नेट जो बटे लेंगा बटे बारन बटे सब बटे की, हाँ अंका जी। तो फ्रेंड्स, अभी ये टाइम पे अगर पेस्टिसाइड नहीं डालेगा तो कीड़ा खा लेते हैं और जितना भी मेहनत किया सब मिट्टी में चला जाता है, धान एक भी नहीं मिलता है, सब मर जाता है, सूख जाता है। इसलिए दवाई स्प्रे करना पड़ता है पेस्टिसाइड। फ्रेंड्स, दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, मुंह को टॉवल से या रूमाल से ढक के स्प्रे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये धान का खेत है और अभी धान फूल देने लगा, फूल निकल रहा है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ नज़दीक जाके। फ्रेंड्स, अच्छा से देखभाल करना पड़ता है ये धान का खेती को, तभी अच्छा से उगते हैं और फल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा?